हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी। तो बहुत ही झटपट बनने वाला है ये रेसिपी और दिखने में जितना लाजवाब है खाने में उससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 कप मैदा और उसी में हम चीनी के पाउडर मिला रही हूँ। तो 2 चम्मच हमने चीनी के पाउडर डाल दिया। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकती हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और 1 चम्मच हमने ईस्ट भी डाल दिया। तो इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया और इसमें हम 4 से 5 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और मलाई के साथ हम इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध के साथ हम इसे गूंद लेंगे। तो बहुत ही सख्त कर हमें गूंद लेना है। तो इसी तरह हम मचल मचल कर गूंद रही हूँ। तो 10 मिनट के करीब इस आटा को हमने गूंद लिया। तो सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार हुए और इसे हम ढककर एक साइड में डबल होने के लिए रखेंगे। तो उसी बीच हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर ले लिया खजूर, आमंड और केशू हमने ले लिया। तो खजूर की हमने बीज भी निकल कर ले लिया, तो इसके बीज नहीं है। तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका हम पेस्ट तैयार कर ले लेंगे। तो हमने इसके पाउडर बना लिया और ये जो हमने एक साइड में रखी थी आटा को, ये भी डबल हो गई। तो हाथों में थोड़ा घी लगाकर हम इसे इसी तरह मचल रही हूँ। तो सरफेस में हमने ले लिया और इसे हम लोइयों के आकार में काट लेंगे। तो इसी तरह हम लोई काट लिया। तो टोटल हमने 7 लोई काट कर ले लिया और इसे हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे निकाल ले लिया और हम रोटी भी बेल लेंगे। तो ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला कर हम रोटी बेल लेंगे। तो इसी तरह हम सारे रोटी को भी बेल कर ले लिया और इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। तो हमने घी ले लिया, तो 1 चम्मच घी डाल दिया और हाथों से चारों ओर फैला दिया और उसके ऊपर हम थोड़ा सूखे मैदा भी डस्ट कर दिया और 1 रोटी बिछा दिया। फिर से हम घी लगा दिया और सूखे आटा भी डाल दिया। इसी तरह हम सारे इकट्ठा किया रोटी को और बेलन से इसी तरह हमने बेल भी लिया और इस रोटी को हम छुरी से इसी तरह काट लेंगे। तो पहले हम 4 टुकड़े कर ले लिया और 1 टुकड़े के अंदर हमने फिर से हम इसी तरह 3 टुकड़े कर ले लिया। तो इसी तरह हम रोटी को टुकड़े कर ले लिया और जो हमने स्टफिंग तैयार किया और स्टफिंग को हम इसी तरह बीस बीस में रखेंगे। और इन जो हमने त्रिकोण कर काट लिया उसके बीच में चीरा लगा दिया एक और इसे हम घुमा घुमा कर रोल कर ले लेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसी तरह आप तैयार कीजिए। तो हमने इसी तरह रोल कर ले लिया। तो सारे हमने रोल कर ले लेंगे। तो और एक भी हम आपको दिखा देंगे। तो बहुत ही आसानी से बन रहा है। तो इसी तरह तैयार कर ले लिया और गैस के ऊपर हमने तेल भी गर्म होने के लिए रखी। तो तेल गर्म हो गई और उसमें हम 1-1 कर डाल देंगे। तो पहले हम 2 डाल देंगे। तो 3-4 मिनट ऐसे ही रखने देंगे। 3-4 मिनट बाद हमने इसे पलट दिया। तो दूसरे साइड में भी हम इसी तरह 3-4 मिनट रखेंगे। तो मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई कर ले लेंगे। तो इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी बनके तैयार होंगे। तो इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर हम फ्राई कर ले लेंगे। तो इसके कलर भी चेंज हो गई, अच्छी तरह से फ्राई होगी और इसे हम निकाल लेंगे। तो अंदर से बहुत ही नरम होती है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होती है। तो इसे चाय के साथ लीजिए, बहुत ही यम्मी लगती है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। तो दूसरी बेज भी हम इसी तरह तैयार किया। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको हम नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, तो देखिए नज़दीक से कितना टेस्टी यम्मी लग रही है। और हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के साथ भी रहिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।